मैं आप सभी का रश्मि चौधरी के ब्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, लेकिन इसीलिए मेरा कल ब्लॉग नहीं आ पाया था। तो कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। थोड़ा सा मतलब घर पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अकेले, तो सोचा कि चलो घोष के पास मैं जाती हूँ, उसके पास थोड़ा रहूँगी तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए पहले चलते हैं घोष के घर पर, फिर शायद अगर मूड ठीक रहा तो फिर थोड़ा बाहर भी जाएंगे, अदरवाइज घर पर बैठेंगे। जो भी है आपको मेरा ब्लॉग देख के पता चल ही जाएगा। आई नो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा खास नहीं होने वाला है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ। तो चलिए चलते हैं सीधा गूंज के पास। आ गई हूँ गूंज के घर पे। हेलो मैडम, आपका स्वागत है आपके घर में। मेरा स्वागत है मेरे ही घर में, ठीक है। क्या ब्लॉग बनाए, क्या ब्लॉग बनाए, हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है। रश्मि भी आ गई है, अब दोनों सोच रहे हैं मिलके कि क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। एक सोच रही थी अकेली, अभी दोनों सोच रहे हैं क्या बनाए। अब बिना फैमिली के यही होगा ना यार, सिंगल लोगों में जो घर ही निकल चलते हैं, नहीं बनाएंगे वही भी ब्लॉग अच्छा बनेगा। ये तो दे रही है सब धोखेबाज। ये देखो ये सॉरी, की हाल है। तो गाइज यहाँ पे ना बेवकूफ बना दिया है, हमको बुलाया था कि बीच पे जाना है लेकिन खुद ही नहीं जा रही है, खुद ही नहीं जा रही है। इस मैडम का मन ही नहीं है, ऐसे तो नहीं होता है। सबको बुला लिया और खुद का ही बुलाओ वही कंटेंट देगी। आज गूंज ना पागल हो गई है और कुछ नहीं है। आज उसको एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि उसको बनाना क्या है, इसलिए वो कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी बोले जा रही है। तो गाइज अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और मेरा ना आरव के हाथ की चाय पीने का मन है, तो आरव से हम चाय बनवा रहे हैं। और फिर उसके बाद ना हमारी एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे। और उससे पहले तो कुछ लेने भी जाना है, खाली तो जाना ही नहीं है। तो फिर चलिए पहले हम फयाज की आरव की चाय इंजॉय कर लेते हैं। लोग यहाँ पे आ गए हैं आदर्श नगर। अचानक से फ़ोन आ गया था गूंज को कि एक डबिंग करनी है, तो हम यहाँ पे आ गए हैं डबिंग करने के लिए, मतलब गूंज को करनी है। हाँ यस हाय हेलो, छोड़ा लग रहा है, प्लीज मुझे मत कुछ करना, मैं अंदर ही हूँ, मुझे कुछ मत करना। मैं भूत के साथ अंदर बंद हूँ, इसमें इस रूम में इस भूतनी के साथ बंद। अब तू कख भी जा नहीं सकेद। तू अभी तक नहीं गए, मिलते थे पहले भी बोली छा, गांव छोड़ के चली जा चली। तो गाइज हमारी डबिंग हो गई है, और जब हम लोग आए थे तब उजाला था, और अभी आ रहे तो अंधेरा है। हमारी चाय का पता नहीं, आरब से चाय बनवाई थी हमारी स्कूटी मैडम यहीं पे, कहाँ जा रही हो आगे। और चाय मैं छोड़ के थोड़ा से भूख भी लगी हुई है, सुबह से चल चल लेके जाएंगे घर में। तो चलिए गाइज फटाफट से घर पहुँचते हैं, एक तो यहाँ पे गंदा बहुत रखते हैं लोग, बहुत कचरा फैला के रखते हैं इस एरिया में। चलिए फटाफट घर पहुँचते हैं क्योंकि मुझे एक्टिवा चलाना है इसलिए। गाइज मैं कपड़े चेंज करके वापस गूंज के घर पे आ गई हूँ, और आज तो सुबह से गूंज के घर पे निकल गया मेरा पूरा दिन है ना। और अभी यहाँ पे ये दोनों मैडम रेडी हो रही हैं, हमारी जे मैडम भी आ चुकी हैं, और हमारी गूंज मैडम भी रेडी हो रही हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी मेकअप कर रही है, थोड़ी 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 उठा दिया मेरे को। हाँ वैसे भी सुबह से तुम्हें मार के उठाया जा रहा है बार बार, और तुम थोड़ा जल्दी मेकअप करो यार, लेंस तो लगा लूं, दिखता नहीं ना बिना चश्मे के। हाँ तो गूंज ने ये पूरा अपना चेंज कर दिया है रूम, गुड्डे गुड़िया छोटे छोटे से। रात को कभी कभी डर नहीं लगता गूंज? ये रात को देखे ये गुड्डी गुड़िया कैसे करे। बस जैसे ये रेडी होते हैं उसके बाद हम फिर निकलते हैं अक्षय घर पे, और बाकी के लोग भी जा रहे हैं, आरफ फयाज सारे लोग जा रहे हैं, तो सारे वहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन एक इंसान को हम बहुत मिस करने वाले हैं, जो कि हमारे अभिनव हैं। सो
हम लोग बहुत 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 ज्यादा खुश है। एक्चुअली आधा एक्साइटमेंट ना इसलिए आज खत्म हो रहा है जाने का, क्योंकि मिक्की नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है कि हाँ जाना है कहीं जाना, वरना ऐसे मिक्की हड़बड़ी करता था कि जाना है जाना। लेकिन मैं कुछ और बोलने वाली थी। अभिनव एंड कृपा हम सबकी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो और घर में लक्ष्मी जी आई हैं तो बहुत अच्छा है, और हम 1500 रुपए भी जीते हैं कुणाल से। पाँच सौ तुम थी नहीं। तो गाइस हम लोगों ने एक्चुअली कुणाल से शर्त लगाई थी कि अगर लड़का होगा तो हम तीनों लोग कुणाल को 500-500 रुपए देंगे, तो वो कुणाल से अकेला इंसान 1500 रुपए जीतता, और अगर लड़की होगी तो हम लोग जीतेंगे। तो कुणाल ने अकेले ने 1500 रुपए दिया, 500 मुझे, 500 गूंज को, 500 आरव को। तो हमारे तो लॉटरी लग गई है जाके, अब उससे पार्टी करनी है 1500 रुपए की। तो चलिए बस जाते हैं फटाफट से बर्थडे में, लेट हो रहे हैं बहुत। मैं आ गई यहाँ पे केक लेने के लिए, तो देखते हैं कौन सा पसंद आता है। और इसने यार ये काम कर दिया, चॉकलेट ही है वही तो। उसके अलावा और कोई फ्लेवर नहीं है? कितना बड़ा है वो? तो यहाँ पे सारे चॉकलेट 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 ज्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए समझ में नहीं आता मुझे। तो गाइस हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे मस्त, यहाँ पे तो मस्त फोटोग्राफी चल रही है भाई। हमको तो वैसे यही बोलना पड़ेगा है ना, हमको तो अक्षय हैप्पी बर्थडे। हम तो देखो मैं अक्षय के सामने खड़ी होती हूँ, मैं ना मैं देखो मैं ये हूँ ठीक है, अक्षय दिखी नहीं रही है मेरे से, तो झुकना पड़ेगा। हाय हैप्पी बर्थडे। तो मैं अपनी बेइज्जती खुद ही करा लिए, होता रहता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं। निशा स्माइल कर यार, हंसू नहीं ना यार, हेलो ऐसे अरे मैं हंस रही थी सबसे ज्यादा। Happy birthday dear Archie, happy birthday to you. अच्छा जब सही सुना, 70-75 देख रहे हो ये। हेलो फ्रेंड्स, ये रश्मि है, आज आपसे खाना खा लो। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लो। अच्छा मुझे क्या, थैंक
हैप्पी बर्थडे लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो हैप्पी बर्थडे।